ठीक है। देखो ये तो हम लोग पहली बात तो आज जो करेंगे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, ये पूरा एक एक वीडियो में पूरा कवर कर देंगे, जिससे कि तुम लोग को जब मान लो रिविजन करना होगा तो देख भी सकते हो और थोड़ा बहुत रिविजन हो जाएगा। और तो होमवर्क तो दे ही दिए हैं कि अभी रिविजन होगा ट्यूजडे को, जो स्लिप बना के दिए हैं वो सब होमवर्क है पूरा लंबा लंबा। तो इसको पहले एक बार रिविजन करवाएंगे, उसके बाद तुम लोग ओरल टेस्ट दोगे, उसके बाद रिटन टेस्ट दोगे। बात समझ गए ना? तो ऐसे हम लोग करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, कोई बैकग्राउंड नहीं बनाएंगे, है ना, कोई एग्जाम्पल कम देंगे, बस इधर टॉपिक भी रहेंगे, क्योंकि तो उसको एक ही लेक्चर पूरा खत्म करना है ना। तो देख मतलब जैसे एग्जाम्पल नहीं, मतलब कि ये था फलाना था, ये सब थोड़ा सा कम बताएंगे, क्योंकि तो तुम लोग एक बार सुन चुके हो। अब मतलब डायलॉग नहीं मारेंगे, वही मारेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब ये होता है कि अगर प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर प्लांट जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसमें उसका मतलब क्या यूज होगा, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट को यूज होगा, और वो होगा क्या, फ्लावर, है ना। तो इसका मतलब हमें पहले थोड़ा सा समझना होगा कि प्लांट का फ्लावर को समझना पड़ेगा। और सोचो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट होता कौन है, जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है ना, जैसे कि एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होते हैं, फ्लावरिंग। तो मतलब चाहे हम लोग सोच ले यहां पे लिख दे चाहे फ्लावरिंग प्लांट, या हम लोग बोल सकते हैं यह एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उसी में समझना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी में होगा जिसमें क्या होगा, फ्लावर, है ना। तो हमें पहले थोड़ा समझना पड़ेगा फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर ये दिखाई दे रहा है नहीं, दिख तो रहा होगा, ऐसी बात नहीं, ये पूरा दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो पहले हम लोग को क्या समझना होगा, फ्लावर। अब फ्लावर जो दिखाई दे रहा है यहां पे, तुम लोग इमेजिनेशन करोगे ये फ्लावर है। अब फ्लावर मतलब ये होता क्या है, देखो ये मॉडिफिकेशन, आप सूट सूट का मॉडिफिकेशन है, वो सूट अर्थात स्टेम ही मॉडिफाई हो क्या बन जाता है, फ्लावर। ये सूट जो मॉडिफिकेशन होके क्या बन जाता है, फ्लावर, ठीक है। और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल तो किसके लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए, बस समझ गए। अब पार्ट ऑफ फ्लावर की बात करें, इसमें क्या होता है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम, है ना। अब बात करें कैलेक्स का, तो कैलेक्स में क्या होता है, जो अब फ्लावर का आउटर मोस्ट होल होगा चक्कर, उसको क्या बोलते हैं, कैलेक्स, और उसको यूनिट क्या बोलते हैं, सेपल। बात समझ गए। अब सेपल के दो क्राइटेरिया है, अगर सेपल सारे मिले हुए हैं, यूनाइट हैं, तो कहलाएगा गैमोसेपलस, अगर वो फ्री है तो क्या कहलाएगा, पॉलीसेपलस। बात समझ गए। अब दूसरा, पहला था कॉलेक्स, दूसरा क्या आएगा, कोरोला। कोरोला में अगर इसके होल को, ये सेकेंड होल है, पहला क्या होगा कैलेक्स, दूसरा क्या होगा, कोरोला। और अगर इसके यूनिट बात करें तो क्या आएगा, पेटल, है ना, पेटल मिल क्या बनाएगा, कोरोला। और ये पेटल जो होता है ये भी उसी तरफ हो गया, एक यूनाइट होगा तो गैमोपेटलस, अगर ये फ्री होगा तो पॉलीपेटलस। बात ये बात एकदम ध्यान रखना। अब देखो आएगा एंड्रोसियम। अच्छा एंड्रोसियम को हम लोग बोलते हैं ये तीसरा होल है, एंड्रोसियम को बोलते हैं फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। मेन फ्लावर का मेन पार्ट कौन होगा, यही एंड्रोसियम और गैनोसियम, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वो जो दोनों कैलेक्स और कोरोला था वो क्या है, उसको एसेसरी पार्ट थे, है ना। अब देखो ये क्या है, इसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, इसके यूनिट क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। अब स्टेमेन में तीन पार्ट होता है, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव, और जो कनेक्टिव होती है ये पैरेन्काइमेटस होती है ना। ये बात सब ध्यान रखना। ये देखो दिखाई दे रहा है, ये जो वाला ऊपर वाला पार्ट क्या है, एंथर, और जो बीच में क्या रहेगी, कनेक्टिव, ये वाला क्या है, फिलामेंट, है ना। अब उसके बाद क्या रहेगा, आएगा गैनोसियम, और गैनोसियम बोलते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। और इसके यूनिट क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं या तो कॉर्पल बोलते हैं। और इसके पिस्टिल के तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओबरी, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये क्या है, ओबरी, है ना। तो ये फ्लावर के पूरा कंप्लीट हो गया। एक होता है कंप्लीट फ्लावर, अगर किसी भी फ्लावर में उसके चारों होल हो उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर, अगर उसके चारों होल नहीं है तो उस बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। ऐसा किसमें होगा, मान लो अगर कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल, अगर मेल हुआ तो मेल फ्लावर, फीमेल हुआ तो फीमेल फ्लावर, और वो कहलाएगा इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर सेक्स फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो क्या कहलाएगा, कंप्लीट फ्लावर, वो होगा ही है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो पक्का उसमें दोनों पार्ट ये होंगे, और कैलस क्रोल तो होगा ही, तो क्या कहलाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब देखो आगे क्या आएगा, अब थोड़ा समझते हैं कि हमको मेन हमारा इसमें जो वो पढ़ने का रीजन होगा वो होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल। तो एंड्रोसियम के बारे में थोड़ा समझते हैं पहले।
तो एंडोसीम में ये देखो क्या था, ये एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट था जो दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो वो हमको इसको कुछ ऐसे, इसमें देखो इसमें एक दो और दो इसके पीछे तरफ होगा, मतलब वो टेट्रा टाइप होगा ना, चार होगा। तो एंथर के जो लूब्ड होते हैं, अगर उसमें अगर दो लूब हैं, मतलब एक जैसे एक ये वाला लूब, मतलब एक ये और ऐसे, तो एक ये लूब हो गया और एक ये लूब हो गया, तो बाई लूब होगा। तो लूब फर्स्ट, लूब सेकेंड में ए पार्ट, एक ये वाला लूब और एक ये लूब, तो एक ये है ना, हाँ लोब, सॉरी ये लोब, और एक ये और एक ये लोब। तो इसमें देखो क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ये होगा डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट, है ना। डाई मतलब दो और टेट्रा मतलब चार, तो चार स्पोरेंजिएट होगा। ये मोस्ट कॉमन है, जो मैक्सिमम एंथर होते हैं वो क्या होते हैं, डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट। और फिर मान लो अगर ये आएगा एक यूनिलोब, अब इसमें दो लोब एक होंगे, एक लोब एब्सेंट होगा इसमें। अब इसमें अगर एक लोब है तो दो केवल माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, जैसे ये वाला है, बात समझ रहे हो। अब ये मोनोथिकस बाइस्पोरेंजिएट कहलाएगा, है ना। ये फैमिली मालवेसी में देखने को मिलता है। मालवेसी में क्या आएगा, कॉटन आएगा, हाँ हिबिस्कस भी आएगा, हिबिस्कस भी आएगा, कॉटन आएगा और ओकरा मतलब भिंडी, ये सब मालवेसी में आते हैं, है ना। अब देखो अगर अगर इसमें लोब एब्सेंट है, इसमें केवल एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो ये एथिकस मोनोस्पोरेंजिएट कहलाएगा। ये आर्किथोबियम में देखने को मिलता है ना। ये आर्किथोबियम होता है, ये प्लांट है, उसको बोलते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट। जो आर्किथोबियम होता है एक प्लांट है, वो होता है टोटल स्टेम पैरासाइट, है ना। अब उसको देखो, अब इस एंथर को अगर ऐसे बीच से कट करेंगे तो हम लोगों को ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखो ये वाला दिख रहा है। अब इसकी लेयर कहाँ है, ये वाली। अगर हम इस लेयर को देखो, ये एक स्पोरेंजिया है, एक ये है, एक ये है, एक ये चार बना। अब इसी चार में से किसी एक को जूम करके समझेंगे तो हमको कुछ क्या दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें क्या क्या होता है, देखो सबसे ऊपर लेयर क्या कहलाती है, इपिडर्मिस, फिर क्या आती है इंडोथीसियम, फिर क्या आती है मिडिल लेयर, फिर क्या आएगा टैपिटम। इस सब को मिला क्या बोलते हैं, पेराइटल लेयर। और यहां पे देखो क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको क्या बोलते हैं एमएमसी, और उसके बाद या इसको पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, यानी पीएमसी, है ना। और यहां पे हो गए स्पोरोजिनस टिश्यू, बात समझ गए। तो इसके कितने लेयर हो गए, इपिडर्मिस, इंडोथीसिया, मिडिल लेयर, टैपिटम, है ना। एक टैपिटम का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, टैपिटम के मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो कैलेस निकलता है, लेकिन इसका मेन इसका फंक्शन सीक्रेट करता है न्यूट्रिटिव मटेरियल, है ना, ये न्यूट्रिशन देने का। और ये एक उबीज बॉडी बनाती है जो कि स्पोरोपोलेनिन सीक्रेट करता है, और ये स्पोरोपोलेनिन जो पोलन ग्रेन होता है उसके बाहर की लेयर में अर्थात एग्जाइन में पाया जाता है, और जो दुनिया का सबसे रेसिस्टेंट और क्या है ये सब्सटेंस है ना। और ये और एक एक पोलन किट सीक्रेट करते हैं जिसको एंटमोफिलस होते हैं, एंटमोफिलस प्लांट में। इससे क्या होता है कि जिससे पोलन को अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट आए और इसे आएंगे तो उसको पॉलिनेशन हो पाएगा। तो ये सारा काम कौन करता है, टैपिटम करता है। मान लो कभी क्रम पूछा जाएगा तो पहले आएगा इपिडर्मिस, इंडोथीसिया, मिडिल लेयर, टैपिटम, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप एक क्रम में अरेंज करिए, बात समझ गए। तो ये बात हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो ये एंथर है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, है ना। एंथर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है इसको थोड़ा समझते हैं। देखो एंथर का डेवलपमेंट ऐसे होता है अनडिफरेंशिएटेड, क्यों, कोई दिक्कत हो रही क्या, सब भेजे थे आप लोग उसको देखे ही नहीं हो, है ना, सब भेजे हैं, ठीक है। आप देखो ये डेवलपमेंट ऑफ एंथर की बात कर रहे हैं, मतलब जो ये एंथर यहां बना था उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा वो थोड़ा सोचने की बात है। तो देखो क्या होता है कि एक प्रकार की जो एंथर बनता है वो पहले कहीं ना कहीं अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है। जैसे किसी का जब एम्ब्रियो बनता है पहले जायगोट बनता है, और जायगोट देखो कोई किसी को पता है क्या किसका जायगोट बनेगा, जब एम्ब्रियो बनेगा तब समझ में आएगा। तो ऐसे ही एंथर पहले कैसा रहता है, अनडिफरेंशिएटेड, मतलब उसको कोई फ्यूचर अभी डिसाइडेड नहीं है। वो क्या करता है, अचानक से उसमें दो लेयर बन जाती है, एक होता है इपिडर्मिस और एक मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल बनता है। और यही मास ऑफ, ये तो इपिडर्मिस बन जाएगा, याद करो इसके बाहर वाली लेयर क्या थी, इपिडर्मिस। तो इससे दो बना, एक बन गया इपिडर्मिस, एक बन गया मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। आवाज आ रही कि नहीं, बांध बन गए मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। अब ये तो रह जाएगा इपिडर्मिस में, और ये आगे ग्रो करेगा, ये बनाएगा माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल बना देगा। और फिर ये इसमें एक बार होगा पेरिक्लाइनल डिवीजन, अर्थात क्या होगा, माइटोसिस, क्या होगा माइटोसिस, माइटोसिस होगा। तो ये दो पार्ट बनेगा, एक प्राइमरी पेराइटल सेल और एक बनेगा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल।
अब एक बार देखो यहां पैरेटल डिवीजन हुआ था, अब दोबारा होगा यहां पैरेटल डिवीजन, तो इससे बनेगा आउटर सेकेंडरी पैरेटल सेल और इनर सेकेंडरी पैरेटल सेल, और इसका तिवारा पेरिकलाइन डिवीजन होगा तो इससे बनेगा इंडोथीसियम और बनेगा मिडिल लेयर, और ये वाला जो इनर सेकेंडरी पैरेटल सेल है ये बनाएगा मिडिल लेयर, मतलब मिडिल लेयर ये वाला भी बनाता था और ये वाला भी एक पार्ट, और ये वाला बनाएगा टैपिटल सेल और ये बना देगा बाद में टैपिटम। तो एपिडर्मिस बन गया, इंडोथीसियम बन गया, मिडिल लेयर बन गया, टैपिटम बन गया, चार लेयर बन गए, और जो यहां बना था प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल था वो आगे डिवाइड होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा, और इसके बाद इसमें होगा रिडक्शनल डिवीजन अर्थात इसको क्या बोलेंगे मियोसिस। अब जब मियोसिस होगा तो इससे बनेगा माइक्रोस्पोर अर्थात इसको पोलन बोलते हैं, तो अगर ये रहेगा 2n तो ये हो जाएगा n। बस समझ आ गया, एक कथा खत्म हुई, अब दूसरे पे आते हैं। देखो समझ में आ रहा है नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है थोड़ा सा स्लो करेंगे। अब देखो यहां तक देखो ध्यान समझ में आया कि हम लोग एंथर को कैसे डेवलपमेंट किए, एंथर पूरा डेवलपमेंट हो गया, उसके चारों लेयर बन गए, उसके अंदर क्या बन गया माइक्रोस्पोर बना, पोलन बना, बात समझ गए। अब इसके बाद क्या समझना है हमको, एक स्टेप होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अर्थात जो पोलन है वो कैसे बनता है ना, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पोलन अर्थात मेल गैमेट के बनने की प्रोसेस है, और ये बनेगा कहां एंथर में, एंथर बनेगा। तो देखो यहां पे क्या रहता है एमएमसी अर्थात माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो कैसा रहेगा 2n, अब समझ आ रहा है, अब देखो 2n रहेगा। अब यहां पे देखो ना इसमें एक सक्सेसिव डिवीजन होते हैं, तो एक क्या होगा देखो एक होता है इसमें ना एक्चुअली बनता, इसमें दो कैटेगरी दिखाया गया है, एक दिखाया गया है इसमें तीन सेल का बनेगा और एक बनेगा चार का, लेकिन मोस्ट कॉमन है आपको ये वाला समझना, ये चार वाला, ये वाला है नहीं सिलेबस में, बस ये कि बता दें कि इसमें तीन वाला ही बनता है, तो ये वाला मानो सक्सेसिव टाइप का डिवीजन होगा। तो पहले होगा मियोटिक फर्स्ट, जब मियोटिक फर्स्ट होगा देखो तो ये देखो इससे क्या बनेगा, इसमें दो बन गया डिवाइड हो गया, अब क्या देखो बन गया ये मियोटिक सेकंड, जब ये बन गया तो देखो चार डिवाइड हो गया। अब ये जो बना ना इसको बोलते हैं आइसो बायलेटरल टेट्राड, ये जो बना है ये टेट्राड है, एक्चुअली टेट्राड जो बनेगा ना ये कुछ ऐसा ऐसे करके बनता है, ऐसे एक दो तीन चार है ना। अब ये होता है मोनोकार्ट में ऐसे देखने को मिलता है मोनोकार्ट प्लांट में, और इधर देखो ये होगा साइमल्टेनियस टाइप का होता है, इसमें मियोटिक फर्स्ट होगा पहले और फिर मियोटिक सेकंड होगा, तब इसमें देखो ये फोर रहेगा लेकिन इसमें एक साइटोकाइनेसिस हो जाता है, तो ये 20 से डिवाइड होकर इसमें तीन टाइप बन जाते हैं, बस समझ गए। लेकिन ज्यादा मोस्ट कौन कौन सा रहेगा ये वाला। अब उसके बाद देखो माइक्रोगैमिटोजेनेसिस अर्थात मेल गैमिटोफाइट, जो मेल गैमिट है अर्थात पोलन ग्रेन वो भी मैच्योर होकर कैसे बनता है उसको थोड़ा समझना है। तो ये देखो जो बना था ये वाला मान लो, अब ये क्या करेगा इसके अंदर ना दो सेल बनते हैं, एक ये वाला वैक्यूल बोल सकते हैं हम लोग उसको वैक्यूलस, और ये है न्यूक्लियस ये वाला। अब ये डिवाइड होगा तो ये मिलके पूरा पहले एक इकट्ठा बड़ा सा बन जाएगा, और ये जो ना ये यहां से ये ऐसे डिवाइड हो के इसके पहले एक पूरा स्पिंडल फाइबर बनेगा, मतलब ये एसिमेट्रिकल स्पिंडल बन जाएगा, और यही एसिमेट्रिकल स्पिंडल आगे चल के आ जाओ ये आके बन जाएगा इसमें तब का। अब ये जो पोलन ग्रेन बनेगा इसमें दो कैटेगरी के पोलन ग्रेन बन जाएंगे, एक बनेगा वेजिटेटिव सेल और एक बनेगा जनरेटिव सेल। तो पोलन ग्रेन जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तो लास्ट में इसी तरह दिखेगा, और उसके बाद क्या दिखेगा हमको ये दिखेगा कि इसके अंदर देखो ये पोलन ग्रेन है, इसके अंदर एक लेयर होगा एग्जाइन और एक होगा इंटाइन और एक होगा न्यूक्लियस, और ये जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं जर्म पोर है ना, क्योंकि जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा तो इसी जर्म पोर से जर्मिनेट होता है पॉलिप ट्यूब बनाएगा। एग्जाइन किससे मिल बना होता है स्पोरो पोलेनिन से, हाँ तीन मोस्ट कॉमन है ना, ये जो थ्री है ये मोस्ट कॉमन है, समझ में आ रहा है हाँ। कौन सा ये वाला, एक्चुअली क्या होगा देखो ये एक मतलब एक नॉर्मल सेल रहेगा जैसे कि ये वाला है, इससे डेवलप हुआ तो पहले इसमें ऐसे दो वैक्यूलस स्ट्रक्चर बन जाएंगे बड़े बड़े, और फिर इसके अंदर एक न्यूक्लियस बनेगा, और फिर ये दोनों मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देगा, और जो ये न्यूक्लियस है ये एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनाएगा, मतलब ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके, और ये फिर क्या बनेगा ये यही जो बना है तो इसमें भी ये पूरा एक सेल बना देगा और एक नीचे बना देगा, तो देखो एक इधर से नीचे बन गया एक ऊपर बन गया, तो ये बन गया वेजिटेटिव सेल आई बन गया जनरेटिव सेल। अब यही पोलन ग्रेन कहलाएगा
है ना, अभी पोलन ग्रैंड का और भी डेवलप देखेंगे, है ना। ये माइक्रोस्पोर यानी मेच्योरिंग इनटू द पोलन ग्रैंड, ये आके पोलन ग्रैंड में मेच्योर होगा तो ऐसा बनेगा। अब देखो यहां पे, अब जो पोलन ग्रैंड बना है ना उसके दो कैटेगरी होंगे, एक तो ये कहलाएगा प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट और एक होगा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। मतलब जो पोलन ग्रैंड बना कुछ में ऐसा होगा कि प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहां तक होगा। तो यही पोलन ग्रैंड देखो आगे चल के जब बना था तो ये आगे इसमें दो सेल बन गया, एक ट्यूब न्यूक्लियस कहलाएगा ये वाला, और ये कहलाएगा जनरेटिव ट्यूब। जो ये कौन था, वेजिटेटिव सेल था और ये क्या था, जर्म सेल था। तो यहां पे क्या बनेगा, ट्यूब न्यूक्लियस, और यहां क्या बनेगा, जनरेटिव ट्यूब। बस समझ गए। अब अगर ये इनसाइट, ये इसको बोलते हैं इन सीटू एट द मदर प्लेस, मतलब अगर ये प्री पॉलिनेशन है तो जहां से ये डेवलप हुआ है वहीं पे बनेगा, तो इसको बोलते हैं इन सीटू डेवलपमेंट, है ना। अब देखो अगला है पोस्ट पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन होने की जब वहां पहुंच जाएगा स्टिग्मा पे तब भी कुछ डेवलप होता है। तो अगर ये देखो डेवलप हुआ तो एक ये कंडीशन हो गया कि यहां पे दो थे ये वाले, इतना तो हो गया पहले ही, और फिर ये वाला देखो इसमें दो था। अब यहां से क्या करेगा, जो ये ट्यूब न्यूक्लियस है ये दो बन जाएंगे, और फिर ये दोनों डेवलप होगा, दो मेल गैमेट बन जाएगा, सॉरी ये गैमेट ट्यूब, ये जनरेटिव ट्यूब है, ये यहां पे एक था यहां पे दो बन गया, और दो बनने के बाद ये क्या हो जाएगा, दोनों क्या कहलाएगा, मेल गैमेट कहलाएंगे। अब इसमें एक बात समझना है, देखो बात क्या कि 60% ऐसे हैं एंजियोस्पर्मिक सीड जो कि इनके होते हैं टू सेल स्टेज के, मतलब 60% ये बात दिया है, 60% जो होंगे केवल टू, एक और दो, और जो 40% हैं, जो 40% स्पीसीज हैं उसके ये थ्री सेल स्टेज के हो जाते हैं, बन बन गया ना। देखो इसमें क्या है, एक दो तीन, और इसमें कितना है, एक और दो, बस में आ गई। तो ये 40% कैसे होंगे वो वाले, और 60% कैसे होंगे, अरे सॉरी 60% कैसे होंगे टू सेल वाले, और 40% कैसे होंगे थ्री सेल वाले, बस समझ गए। अब एक बात ऐसे और पता चल सकता है कि कुछ ऐसे होंगे, मतलब तीन होना सब में है, ये जो दो गैमिट हैं ये सब में बनेगा, 60% ऐसे हैं जो कि पॉलिनेशन के पहले ही रहते हैं, मतलब स्टेज टू से में रहते हैं, और 40% ऐसे हैं जो पॉलिनेशन के बाद बनते हैं। बात समझ गए, नहीं समझा, देखो पहले तो क्या समझना है कि एक होता है प्री पॉलिनेशन, मतलब जहां पे पॉलिनेशन नहीं हुआ अभी वो पोलन के पोलन एंथर के अंदर ही है, तो वहीं पे इसके सेल में दो कैटेगरी बन गए, एक बन गया ट्यूब न्यूक्लियस और एक बन गया जनरेटिव ट्यूब। अब देखो अब ऐसा कंडीशन होगा, ऐसा कंडीशन 60% प्लांट में देखने को मिलेगा, बात समझ गए। और उसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो कंडीशन है ये कंडीशन होगा कि यही आगे जनरेट हो जाएगा जब पॉलिनेशन होने के बाद, तो टू सेल स्टेज पॉलिनेशन हो गया, अब वो जाके जब स्टिग्मा में पहुंचेगा तब वहां जाके डिवाइड होके इसके अंदर जो एक था वो दो बन गया। हाँ इसमें इसमें अभी एक ही है ये, हाँ अभी ये पॉलिनेशन जब नहीं हुआ तो एक ही है इसमें, समझ गए। अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ है तो एक ही है, अर्थात एक ऊपर वाला सेल एक नीचे वाला सेल, दो सेल स्टेज है। अब जब पॉलिनेशन हो गया तो जो नीचे वाले थे उसमें दो बन गए, हाँ ये दोनों बने, हाँ ऐसा नहीं होता। हाँ जब भी पोस्ट पॉलिनेशन होगा तो लास्ट में इसको तीन में बदलना ही है, समझ गए। अगर एंजियोस्पर्मी तीन में नहीं बदलेगा तो डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अब बताएंगे आगे, समझ गए ना, क्योंकि यही तो डबल कर रहा था ना, तो ये बदलना ही है। अब कुछ में वही बदल सकता है उसमें इस बात में होगा बदली हो गया। अब देखो आगे, अब देखो आगे आएगा गाइनोसियम, अर्थात ये क्या कहलाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसमें क्या होगा, इसको मतलब फ्लोरल पार्ट कहते हैं, इसको यूनिट बोलते हैं कार्पल, और ये भी दो टाइप होगा, मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी। अगर केवल एक ही है तो मोनो, अगर बहुत सारे हैं तो मल्टी, और इसमें भी दो कैटेगरी होता है, अगर ये नीचे से जुड़े हुए हैं और ऊपर से अलग अलग हैं उसको बोलते हैं सिनकार्पस, अगर ये सब अलग अलग उसको बोलते हैं एपोकार्पस। ये पेपर में देखते हैं होता है, और ये मीचेलिया में देखने को मिलता है, माइकेलिया बोलते हैं इसको। ये इसका पूरा गणों से एक, अगर एक कार्पल बनाएंगे तो ऐसा बनता है, देखो इसे वो स्टिग्मा स्टाइल, और नीचे होता है ओबरी, और ओबरी के अंदर ये जो होता है ये है ओब्यूल, ये क्या है ओब्यूल, दिखाई दे रहा है ना, ये वाला है ओब्यूल, और ये जो ओब्यूल जिससे जुड़ता है बोलते हैं फ्यूनिकल, और जहां पर जुड़ता है बोलते हैं प्लासेंटा,
और ये क्या है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है लोक्यूल, है ना, ये ओब्यूल। अब ये पूरा डेवलपमेंट ये कहलाता है कॉर्पेल, बात समझ गए। अब आगे देखो, इस कॉर्पेल के अंदर जो ये ओब्यूल होता है, ये ओब्यूल देखा जाए तो ये पूरा ऐसा दिखाई देता है, मतलब ये क्या है, एक ओब्यूल, या इसको मेगा स्पोरेंजियम बोलेंगे या इसको न्यूक्लियस बोल सकते हैं, बात समझ। अब देखो अगर इसमें बनता है तो ये कैसा बनता है, देखो ये वाला जो पार्ट है कहता है फ्यूनिकल, और जो यहां पे ऐसे आगे बढ़ेगा ये यहां पे जुड़ेगा उसको कहते हैं हाइलम, और ये पूरा कवर कर रहा है ऐसे। तो हमको ना इसमें देखा जाए तो सबसे अंदर एक ये है, ये वाला है ना, ये जो दिखाया था उसको बोलते हैं, ये पूरा है एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर तीन टाइप सेल, एक होती देखो, एक हो गई ऊपर एंटीपोडल सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई, और ये है सिनर्जिड और एग सेल। तो दो क्या है, सिनर्जिड और एक क्या है, एग सेल। और इसमें देखो दो लेयर है, एक है आउटर इंटेगमेंट और एक है इनर इंटेगमेंट, ये दो बन गया। तो ये पूरा कंप्लीट, और इधर वाले रीजन बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंट, और इसको बोलते हैं कलाजल इंट, और जो यहां पे स्पेस बचे उसको बोलते हैं न्यूसिलस, बात समझ गए। तो ये हो गया, और ये पूरा दिखाया जाए सेंट्रल सेल। तो ये ऐसे तो देखेंगे तो इसमें ये जो होगा ये कॉमन टाइप होता है 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड, बात समझ गए, ये होगा। अब अगला एक समझना है मेगा स्पोरोजेनेसिस, एकदम बात समझ पा रही है ना। ये था ओब्यूल, ओब्यूल कैसा होगा, ऐसा होता है। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा तो यही पूरा कंप्लीट ओब्यूल बनता है, ये कैसे बनता है उसको हम समझना है। देखो ये है मेगा स्पोरोजेनेसिस, यहां पे क्या होगा, प्राइमरी आर्कियोस्पोरियल सेल होगा, ये वाली जो दिखाई दे रही है, इसमें होगा माइटोसिस, जब माइटोसिस होगा तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी पेराइटल सेल। देखो दो बन गई, एक एक प्राइमरी और सेकंड, हाँ ओवरी के अंदर ये हो रहा है ना, ये कहां हो रहा है ओवरी के अंदर, तो इसमें हो गया माइटोसिस, इसमें दो सेल बन गई, एक बन गई प्राइमरी पेराइटल सेल और एक बन गई प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, बस समझ गए। जैसे देखो उसमें बना था, इस वाले में मेल वाले में यहां पे ये एक प्राइमरी पेराइटल सेल और एक क्या बन गया था, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो ऐसा इसमें ही बनेगा, ऐसा इसमें ही बनेगा, ऐसे ही इसमें भी बनेगा, ये देखो एक बन गया प्राइमरी पेराइटल, अब एक बन गया प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब पेराइटल सेल ये बना देगा इंटेगमेंट, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट, और ये जो स्पोरोजिनस सेल है ये बनाएगी आगे चल के वही ओब्यूल, बस समझ गए। तो अब देखो ये बनेगा मेगा स्पोर मदर सेल, अर्थात इसको भी एमएमसी बोलेंगे, लेकिन ये मेगा है, वो क्या था माइक्रो, तो ये बन गया मेगा स्पोर मदर सेल। और इसमें होगा मियोसिस, तो इसमें मियोसिस होगा, तो इसमें देखो ये लीनियर टेट्रा बनेगा, ऐसे ऐसे ये चार टेट्रा बनेंगे, और इन चार इसको बोलते हैं लीनियर मेगा स्पोर। अब इन चारों में से जो तीन होंगे वो हो जाएंगे धीरे धीरे डीजेनरेट, लेकिन जो मेल वाला था उसमें कोई डीजेनरेट नहीं हो रहा था, सारे के सारे बन रहे थे, है ना। अब इसमें तीन हो जाएगा डीजेनरेट, केवल एक रहेगा एक्टिव कंडीशन में, और वही आगे डेवलप करेगा, तो उसका होगा माइटोसिस, फिर माइटोसिस होगा इसमें दो सेल बनेगा, फिर इसके बाद ये दो से ये चार बन गया, चार से आठ बन गया, और ये कंप्लीट बन गया, ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो इसके अंदर ये है, और इसके बाहर की जो कवरिंग बनाएगा वो बनाएगा इंटेगमेंट, और पूरा क्या बन जाएगा कंप्लीट ओब्यूल, समझ गए बात को। तो ये हो गया। अब देखो, अब थोड़ा सा समझना है जो फीमेल गैमेटोफाइट है यानी एम्ब्रियो सैक है उसको थोड़ा समझना है। अगर मान लो हमने बोला कि चार लीनियर टेट्रा बना था, अगर इसमें वन मेगा स्पोर फॉर्म एम्ब्रियो, अगर इसमें से केवल एक ही मेगा स्पोर आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा तो कहलाएगा मोनोस्पोरिक टाइप का। जो यहां पे हमने बोला कि चार बन रहा है, तीन क्या हो जा रहा है डिजेनरेट, केवल एक ही बना रहा है, जब एक बनाएगा तो कहलाएगा मोनोस्पोरिक, बस समझ गए। जब एक बनेगा तो क्या कहलाएगा मोनोस्पोरिक। अब इस पर देखो, अब ये दो कलर होता है, एक होते हैं पॉलीगोनम टाइप का जो सोलर सिस्टम से है नहीं, और सॉरी ये वाला सेल है मोस्ट कॉमन पॉलीगोनम, में 7 सेल 8 न्यूक्लियेट होगा, और अगर ये ओइनोथेरा टाइप का होगा तो इसमें 4 न्यूक्लियेटेड एंड 4 सेल का होगा, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन है, यही है ओइनो टाइप का। अब अगर मान लो इन चार में से दो डेवलप कर गया तो कहलाएगा बाइस्पोरिक, ये ओनियन में देखने को मिलता है ना। अगर इन चारों से चारों डेवलप कर गए तो टेट्रास्पोरिक कहलाएगा, ये एम्ब्रियो सैक ज्यादा किसी प्लांट देखने को नहीं मिलता, इसका बस समझना है कि इसको टेट्रास्पोरिक बोलेंगे, है ना। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोनोस्पोरिक, और उसमें से क्या पॉलीगोनम टाइप का। अगर मान लो पूछेगा 7 सेल 8 न्यूक्लियेट कैसा होता है,
तो वो होता है पॉलीगोनल टाइप का, है ना, ये टाइप का, ठीक है, बात समझ गए। अब देखो अब कहानी शुरू होगी, हम लोग क्या क्या बना लिए, पॉलन ग्रेन भी बना लिए, और क्या बना लिए, ओब्यूल मतलब मेल गैमेट भी बन गया और फीमेल गैमेट बन गया, अर्थात सुनो ये हो गया प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, है ना, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो हो रहा है ये सब चल रहा है। अब होगा जैसे देखो उसके होता था ना तीन स्टेप होते हैं, एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तीन होता है। तो ये अभी प्री फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन तीन होता है, तो हम लोग पहले वाले पे हैं प्री फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन दो स्टेप होते हैं, एक फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, एक ट्रांसफर ऑफ गैमिट। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट हो गया, अब क्या होगा ट्रांसफर ऑफ गैमिट। एग्जांपल दिए थे ना बारात की तैयारी हो गई है, अब क्या होगा इसकी शादी हो, अभी ये बारात भी जाएगी, समझ गए। अब उसको क्या बोलते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के तीन मेन दो कैटेगरी है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है अगर सेम ही फ्लावर का पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पे गिरेगा उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, या इसी को बोलते हैं, दिखाई दे रहा है लिख दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं ऑटोगैमी, बात समझ गए। अब दूसरा होगा क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब फ्लावर भी डिफरेंट और प्लांट भी डिफरेंट, जो होगा उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या इसी को बोलते हैं जीनोगैमी, समझ में आ रहा है। एक होता है ये भी देखा जाए तो सेल पॉलिनेशन का पार्ट है लेकिन इसका नाम होता है जीटेनोगैमी। इसमें क्या होता है फ्लावर्स डिफरेंट है प्लांट सेम है, ऐसा कंडीशन होगा जीटेनोगैमी। तो ये भी आता सेल पॉलिनेशन में, अगर मान लो सेल पॉलिनेशन की बात आएगा तो जीटेनोगैमी भी आएगा, अगर प्योर सेल पॉलिनेशन होता तो उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। तो इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए बात समझना पड़ेगा कि जो ऑटोगैमी होता है उसी में ऑटोगैमी में ही ये होता है सेम फ्लावर सेम प्लांट, समझ गए। और अगर सेल पॉलिनेशन होगा ज्यूटेनोगैमी वाला तो उसमें फ्लावर डिफरेंट रहेगा प्लांट सेम रहेगा। इसमें एक बात है एनसीईआरटी हमारी कहती है ज्यूटेनोगैमी होता है अगर देखा जाए तो ये फिजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, फिजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली सेल पॉलिनेशन है, कैसे, क्योंकि ये फ्लावर अलग है ये फ्लावर अलग है लेकिन इस फ्लावर में जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट होगा वही इसमें होगा वही इसमें होगा, इसलिए ये फिजिकली क्रॉस पॉलिनेशन और मेंटली अरे जेनेटिकली सेल पॉलिनेशन, बात समझ गए। तो ये बात भी याद रखना है। तो ये हो गया पॉलिनेशन ऐसे होगा। अब ये आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या है, कुछ याद है क्या ना, सुनो 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 गांव वाले सुनो 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 देखो एक्चुअली क्या होता है कि हमने बताया था जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फ्लावर की जरूरत पड़ेगी, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए तभी वेरिएशन आएगा तभी अच्छा सीड बनेगा, समझ बात को ना। तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो होते हैं बाइसेक्सुअल, उसमें बाइसेक्सुअल होने की वजह से हो सकता है उसमें सेल पॉलिनेशन हो जाए तो सिमिलैरिटी आ जाएगी तो आगे वो एनवायरमेंट में सर्वाइव हो सकता है ना कर पाए वेरिएशन नहीं आएगा, तो उसी चीज को रोकने के लिए होती है आउट ब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं उसको, कि मतलब प्लांट का फ्लावर बाइसेक्सुअल हो फिर भी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना होने पाए, उसी चीज को रोकने के लिए क्या किया जाता है आउट ब्रीडिंग डिवाइस, है ना। अब इसमें क्या होगा स्ट्रेटजी टू क्या लिखा है नेचर स्ट्रेटजी ऑफ नेचर टू प्रिवेंट द ऑटोगैमी को रोकने के लिए। अब देखो पहला है अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन या इसको बोलते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी होता है कि चलो ठीक है मान लीजिए कि फ्लावर दोनों पार्ट है उसमें वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन ऐसा करेंगे डाइकोगैमी मतलब हम एक दूसरा अलग अलग समय मैच्योर होगा, मतलब एक समय मेल मैच्योर होगा फिर कुछ दिन बाद फीमेल मैच्योर होगा, तो जब तक मेल मैच्योर हुआ पहले मेल मैच्योर हो गया तो उसका पॉलिनेशन किसी और पे चला गया क्योंकि फीमेल उसमें मैच्योर ही नहीं थी, और जब तक फीमेल मैच्योर ही तब तक ये बुढ़ा हो गया,
उसका पोलन ग्रेन बनना बंद हो गया। तो मतलब अगर प्रोटेंड्री, एंड्री मतलब एंड्रोसियम, प्रो मतलब पहले, अगर एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो जाएगा उसको बोलते हैं प्रोटेंड्री कंडीशन। अगर प्रोटोगाइनी, अगर गाइनोसियम पहले मैच्योर होगा उसको क्या बोलते हैं प्रोटोगाइनी। दोनों से रुक जाएगा, अच्छा जुगाड़ है। अब देखो ये देखो अरेंजमेंट ऑफ एंथर टू स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजिशन, मतलब इतना दूर कर दो कि दोनों मिल ही ना पाए, समझ गए ना, मतलब इतना दूर कर दो इसलिए कि इसको बाहर मत जो ना इसके पूरे बाल कटवा दो, है ना, कुछ ना कुछ एक्टिंग, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाओ। देखो ऐसे कर दो, कोई जरूरी नहीं कि बड़ा छोटा कर दो, मतलब इसको पोजिशन ऐसे चेंज कर दो कि उसका पोलर ग्रेन उसमें जाके ना गिरने पाए। अगर ऐसा नहीं गिरेगा तो ऐसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ एंथर। अब ये हो जाएगा। अब एक होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, एक क्या होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि ये भैया जो स्टिग्मा है ये पहचानती है कि अगर मेरा पोलर ग्रेन मेरे पे आएगा तो हम उसको जनरेट नहीं करने देंगे, जाओ बस, समझ गए, इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ऐसा भी होगा अगर मान मैच्योर हो भी गए साथ में तो इस अपने को ही हम इसमें जनरेट ही नहीं करने देंगे, उसको बोलते हैं सेल्फ क्या, इसका डिफ्यूजन नहीं है बहुत आती है, हाँ ठीक है उसमें दिया होगा, नहीं हम बता देंगे लिख लेना, पहले समझ जाओ तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना अभी। देखो आप देखो आगे ये है, सुनो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहेगा तो फिर रुक जाएगा, मतलब या तो मेल फ्लावर हो या तो फीमेल फ्लावर हो। अगर मेल फ्लावर होगा तो उसमें केवल क्या होगा एंड्रोसियम, फीमेल फ्लावर होगा क्या होगा केवल गैनोसियम, अगर ऐसा कंडीशन है तो कहलाएगा। अब देखो जो इसी में कैटेगरी बनती है मोनोसियस प्लांट, ध्यान समझना, एक होता है डाइसियस प्लांट, मोनो मतलब दोनों एक ही पे होगा अर्थात मेल और फीमेल दोनों क्या होगा एक ही पे होगा, उसको बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। और एक होता है डाइसियस प्लांट, डाइसियस प्लांट मतलब ये होता है कि एक मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग, मतलब मेल प्लांट में मेल फ्लावर और फीमेल प्लांट में फीमेल फ्लावर, ऐसा देखने को मिलता है पपाया में, ये पपीता है उसमें मेल फ्लावर अलग प्लांट पे होता है और फीमेल अलग पे, अर्थात उसका पूरा प्लांट ही अलग होता है मेल और फीमेल, वो कहेगा डाइसियस में। अब मोनोसियस में दोनों एक ही होते हैं मेल और फीमेल, बस समझ गए ये बात ध्यान रखना। अब दिखाता है ये क्रॉस पोलिनेशन जो होता है उसे कुछ एजेंसीज हैं, मतलब एजेंट है ना, अगर क्रॉस पोलिनेशन होगा तो, क्योंकि जो जानते हो जो मेल गैमेट होता है प्लांट का वो होता है नॉन मोटाइल, है ना नॉन मोटाइल, क्योंकि वो अपने आप मूव करके फीमेल के पार्ट तक पहुंच नहीं पाएगा, उसको किसी ना किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी। अब वो कैसे, वो एजेंट नहीं कहलाएगा, वो जो जरूरत पड़ रही है वो एजेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि जानते हो क्या है वो मान लो कहीं पे है, वो मान लो कहीं ऊपर से गिरा टपक गया नीचे, है ना, तो मान लो ऊपर से गिरा नीचे टपक गया तो हो गया समझ गया ना, समझ गया ना चलो अब देखो, अब जो एजेंट होते हैं वो दो कैटेगरी होते हैं, एक ऐसे एजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं बायोटिक एजेंट और होते हैं एबायोटिक। तो एबायोटिक वाले होते हैं 80% और एबायोटिक होते हैं 20%। ये मतलब बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वही होंगे बायोटिक। अब इसमें मोस्ट ऑफ द कॉमन जो होता है वो होता है हनी बी, है ना, और एबायोटिक मतलब होता है विंड और वाटर, जो एनिमोफिली बोलते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, है ना। अब इसमें से ज्यादा, इसमें से मोर कॉमन होता है वाटर के अगर में, बस समझ गए एक ही होता है। अब देखो थोड़ा सा पोलिनेशन बाय एनिमल अगर होगा तो उसको बोलते हैं जूफिली, और पोलिनेशन बाय इंसेक्ट उसको बोलते हैं एंटमोफिली, ये मोस्ट कॉमन है जिसमें होता है हनी भी, है ना, और अगर पोलिनेशन बाय बर्ड होगा तो बोलते हैं अर्निंथोफिली, और ये कितने एक होते हैं हमिंग बर्ड, जो कि ये यहां पे दिखाई दे रही है हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड ये देखो समझ गए ये क्या है, ये हमिंग बर्ड ये दिखाई दे रही है। अब देखो अगर पॉइंसन बाई बैट होगा, बैट मतलब चमगादड़, तो उसको बोलते हैं चिरोप्टेरी फिली, और अगर कुछ लिजार्ड द्वारा भी होता है, ल्यूमर द्वारा भी होता है, उसका नाम याद नहीं करना है, ल्यूमर मतलब हाँ कुछ थोड़ा छोटा होता है उससे, हाँ बर्ड वाला, अर्नोन्थोफिली बोलते हैं इसको,
ठीक है, हमिंग बर्ड, ठीक है। अब देखो और कुछ पर्सन बाय बैड, तो वही वाला है, पुराना वाला है ना। अब देखो सम फ्लावर प्रोड्यूस बैड स्मेल टू 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 अट्रैक्ट द बटरफ्लाई एंड यक्का फिग एटसेट्रा। यू का नहीं, यक्का बोलते इसको, यक्का, समझ गए। सुनो ध्यान से, एक्चुअली क्या है, तुम लोगों को कुछ फूल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, वाह क्या फूल है, अब कुछ फूल ऐसे होते हैं उनकी बैड स्मेल होती है। वो जानते हो बैड स्मेल क्यों है, वो अपने आप को बहुत तुर्रम खा समझता है, तुम समझते हो, मतलब अपना बहुत एटीट्यूड वाला होता है। उसका मतलब ये हुआ कि हम किसी और से पॉलिनेशन, किसी और पॉलिनेटर से पॉलिनेशन नहीं होने देंगे, बस समझ गए। अगर मान लो अच्छी खुशबू रहेगी तो कोई भी आके बैठ जाएगा उसमें, और हम नहीं चाहते कि आके कोई भी आके हमारे उसमें बैठे, तो हम इसलिए अपने आप को बैड स्मेल कर लिए। अब जिसको बैड स्मेल पसंद होगा वही आएगा, वो होता है बीटल, बीटल उसमें बैठेगा। देखो कुछ फूल होते हैं इतना, मतलब उसकी खुशबू बहुत थोड़ा सा चुभती है ना, पुष्पों का फूल, तो वो उसमें आता है बीटल। तो स्पेशल टाइप के कुछ फ्लावर होते हैं, उसके बटरफ्लाई जो कुछ आती है वो उसमें आके बैठेंगे, ऐसा प्लांट होता है यक्का फिग में, है ना। और देखो अगला है, कन्वर्जन इन द प्लांट ऑफ द पॉलिनेशन, जैसे कि आ गए यक्का मॉथ यानी फिग एंड वास, ये भाई इसके दोनों के एग्जाम्पल है इसके। हम अब पॉलिनेशन ऑफ साल्विया बाई इंसेक्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेटर एक साल्विया होता है ना, होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब देखो आगे, ये है विंड पॉलिनेशन, मतलब जब हवाओं हवा से पॉलन ग्रेन उड़े और चले जाए दूसरे पे, उसको बोलते हैं विंड पॉलिनेशन। और विंड पॉलिनेशन जब भी होगा, जब भी विंड पॉलिनेशन होगा, तो इसके कुछ ना कुछ करेक्टर है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो बहुत ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारा पॉलन ग्रेन अपने ग्राउंड में पहुंच ही जाएगा, और जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो थोड़े हल्के होने चाहिए, क्योंकि हवा में उड़ाना है, तो अगर बहुत भारी हवा में उड़ नहीं पाएगा, एक तो ये होना चाहिए। और जो पॉलन ग्रेन, जो ये अगली वाली स्टिग्मा है, वो स्टिकी होनी चाहिए, है ना। कौन स्टिग्मा, पोलन ग्रेन नहीं, अगर पोलन ग्रेन हो जाएगा स्टिकी तो किसी पे चिपक जाएगा, है ना, लड़कियां बाल खोल के चलती हैं अक्सर, उसी पे चिपक जाएगा। हाँ हाँ, लड़कों को ही बाल बाल खोल दिए, अब लड़के तो बांधेंगे नहीं, बांध पाएंगे नहीं बाल, समझ गए ना। तो अगर मान लो ये बहुत अच्छे से ट्रेंडिंग चल रहा है, तो मान लो चिपक गया तो उसका पोलन ग्रेन बेकार हो जाएगा। इसीलिए मतलब वो समझदार था, वो समझता था कि आगे तक आगे तक आगे आने समय को दिक्कत होगी, इसीलिए इसको स्ट्रिंगा बना रहा है, स्टिग्मा को, है ना। ये मेल फ्लावर और फीमेल में ऐसा देखने को मिलता है, मतलब इसमें होता है हाईली अनसर्टेन है, मतलब ये पॉइंट बहुत जरूरी नहीं कि अगर उड़ा है तो जाकर गिरेगा ही वहाँ पे, है ना। तो बहुत सारी दिक्कत इसमें, वही सब बात लिखा जो हमने बता रहे हैं कि कैसा कैसा होना चाहिए, इसको तुम लोग पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। जरा इसमें दिक्कत वाली बात सब भेजे हैं, एक बार फिर भेज देंगे। देखो अब फीमेल फ्लावर इन विंड पॉलिनेशन फ्लावर, जो फीमेल फ्लावर कैसे होने, देखो इसमें ये जनरली एग्जिस्ट इन द इनफ्लोरेसेंस फॉर्म, मतलब अगर जिसमें एयर पॉलिनेशन होता है वो विंड पॉलिनेशन होता है, इसमें वो स्टिग्मा ऐसा होना चाहिए कि इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में, मतलब ऐसे को दिखाई दे ना कि यहाँ भी फ्लावर, यहाँ भी फ्लावर, यहाँ फ्लावर, कहीं से कुछ भी आए पकड़ ले। अगर केवल ऐसे एक ही फ्लावर होता तो यहाँ से निकल जाता, ऐसे निकल जाता, इसमें पॉसिबिलिटी आने कम होती। तो बहुत सारे ऐसे गुच्छों में होगा तो कोई भी आएगा उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, बस मर रहे हो। तो इसलिए इसका कैसा होना चाहिए, और जनरली ये स्मॉल कलरलेस फ्लावर, क्योंकि उसको हवा को क्या मालूम कि कौन कौन अच्छा कलर वाला है, कौन बस हवा में उड़ा जो गया, हाँ उसमें सेंड होता है। और ये लॉन्ग स्टाइल स्टिग्मा स्टाइल, स्टाइल लंबे होंगे तभी घुंघराले होंगे, है ना, ये होगा स्टिकी स्टिग्मा, है ना। अच्छा स्टिकी मतलब एक बात हो, जेंटिस में आता है स्टिकी और ब्लंट इंड, स्टिकी इंड और ब्लंट इंड, याद है। गलत बोल दिए, सीधा काट, अगर सीधा काटेगा ब्लंट इंड, अगर ऐसे काटेगा स्टिकी इंड। चलो अगले देखो, ये देखो दिखा देगा, ये मकई, इसमें देखो ऐसा होता है, देखो पूरा लगा ना कि कोई भी आएगा जाने नहीं पाएगा, है ना। अब देखो अगला आगे वाटर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन देखो, वाटर पॉलिनेशन ये लिमिटेड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। ये लगभग 30 जनरा हैं, जनरा समझते हो ना, जीनस, है ना, आप मोनोकॉट के। वाटर लिली पानी में पाया जाता है और वाटर हाइसिंथ पानी में, लेकिन उसमें विंड पॉलिनेशन होता है, ये बात याद रखना। हाँ दोनों में क्या होता है, विंड पॉलिनेशन, दोनों कहाँ पाए जाते हैं, पानी में, लेकिन पॉलिनेशन कैसे होता है,
विंड द्वारा, समझ गए। एक होता है वाटर द्वारा पॉलिनेशन, केवल और केवल वेलसनेरिया में, हाइड्रिला में होता है, जो कि ये दोनों फ्रेश वाटर के मेंबर हैं। नहीं, हाइड्रिला फ्रेश वाटर का है, मतलब जो वेलसनेरिया और हाइड्रिला है केवल दो ही मेंबर हैं जिसमें कि वाटर पॉलिनेशन पाए जाते हैं, जो कि हम लोग सर्वस में 30 जनरा है, लेकिन हम लोग कितने समझते हैं, केवल दो को। जब आएगा तो वेलसनेरिया आएगा तो हाइड्रिला, याद कर लो एकदम, बात समझ गए। अब देखो ये बात वही कर रहा है, ये बता रहा है कैसे इसमें वाटर पॉलिनेशन होता है। देखो ये क्या होगा ना कि ये पूरा एकदम वाटर के जस्ट एकदम सरफेस पे रहते हैं, एकदम ऊपर नहीं रहते हैं, एकदम उस पर लगे हुए। तो इसका पॉइंट ये निकला, अब ये क्या हुआ, मान लो ये निकल कैसे यहाँ टूट गया, अब ये वाला मेल फ्लावर है, अब इसे जा रहा है यहाँ फीमेल फ्लावर है, तो इसमें चिपक जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा पूरा क्या बोलते हैं वाटर पॉलिनेशन हो जाएगा, है ना। वाटर पॉलिनेशन उसी होगा जिसका पूरा सरफेस पे होगा। अगर ऊपर उठ गया तो पानी ऐसे उड़ के थोड़ी जाएगा ऊपर, है ना। वाटर हाइसिंथ में और उसमें यही दिक्कत होता है कि वो होता तो पानी में है, लेकिन उसका फ्लावर कहाँ रहते हैं, ऊपर। तो अब पानी से उड़ेगा थोड़ी, है ना, अगर सरफेस होता जाता। अब ये देखो ये दिखाया गया सरफेस ऑफ पॉलिनेशन, ये एक जोस्टेरा है जो कि ये सी प्लांट है। इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये एक रिबन लाइक पोलन उसमें बनते हैं। मतलब क्या होगा, जैसे मान लो ये पानी के अंदर है, पहले सीधा रहेगा ऐसे, जब उसको पोलन ग्रेन मिलेगा तो पहले ऐसे ऐसे घूम जाएगा नीचे तरफ, जहां पोलन ग्रेन होगा उसमें चिपक जाएगा और जो फिर से ऊपर आ जाएगा, समझ गए। तो ऐसे पोलिनेशन इसमें होता है, वो रहता है ऊपर, मान लो ऊपर भी है तो वो कुछ समय बाद जब मेच्योर होगा तो ऐसे झुक जाएगा और कहां चला जाएगा, पानी में, और पानी में क्या जहां जहां पोलन ग्रेन रहेगा उसमें चिपक जाएगा फिर से ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए उसमें कैसा होता है पोलिनेशन, देखो ये दिखाई दे रही है, ऐसे बन जाएगा फिर से ऊपर उठ जाएगा, बात समझ गए। अब देखो पोलिनेशन हो गया, अब होगा क्या, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पोलिनेशन हुआ इसका मतलब क्या हो गया, पोलिनेशन हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके पहुंच चुका है। अब इसके बाद पोलन का और पिस्टल का होगा इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मतलब यही है ना, पहचानना है कि जो पोलन ग्रेन यहां पे आया है वो मेरे ही स्पीसीज का है कि नहीं, अगर है तो उसको पहचाना जाएगा, वही पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने देंगे, अगर नहीं है तो चलो बाहर, तू जर्मिनेट नहीं करने देंगे। इसे एग्जाम बताया था ना कि बारात आ गई है, अब पता लगा 3-4 गेस्ट हाउस साइड में किसी दूसरे का दूल्हा अगर उससे चला जाए दिक्कत नहीं हो जाएगी, तो उसको पहचानना पड़ेगा ना कौन वाला है, मेरा वाला ही है या कहीं दूसरा वाला नहीं आ गया। तो ये पहचानने के लिए इसमें देखो एक केमिकल काम करता है, उसका नाम है बोरान, बोरान केमिकल है, उसको आइडेंटिटी करता है, हमको पहचानना है कि ये कौन सा पोलन ग्रेन है, है ना। तो जब अगर मेरा स्पीसीज का ही होगा तभी वो क्या होगा, जर्मिनेट होगा, इसी बात बोलते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अब देखो इसमें जो केमिकल डायलॉग बिटवीन पोलन एंड स्टिग्मा, और ये क्या करेगा, रिकॉग्निशन करेगा, अगर या तो एक्सेप्ट कर लिया या तो चल आगे बढ़, समझ गए। अब एक आया पोलन, अगर एक्सेप्ट किया तो जर्मिनेट होगा, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो जर्मिनेट नहीं होगा, और ये क्या बनेगा, पोलन ट्यूब बनेगी। अब देखो ये पोलन ट्यूब, अब याद करो इसी पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट होंगे, बताए थे शुरू में, अभी अभी जस्ट बताए पहले जो बन रहा था दोनों नीचे दोनों, हाँ इसमें क्या बनेगा पोलन, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो, 60-40 सब में बनेगा, लेकिन कुछ में जो 40% था वो पहले ही बन जाएगा तीन, और में बनेगा बाद में, तीन सब में बनना है, कुछ परसेंटेज जो वो पोलिनेशन के पहले बन गए थे। और देखो सुनो ध्यान से, हम कह रहे हैं कि उसमें तीन टाइप की सेल सब में बननी है, जो 60% ऐसे थे जो कि पोलिनेशन के बाद बनेंगे, और कुछ सॉरी पोलिनेशन के पहले बनेंगे, और 40% ऐसे जो पोलिनेशन के बाद बनेंगे, बस समझ गया। हाँ ये बात है उसमें था, वही तो बता है तुम होने बात। अब देखो ये बन गया, अब देखो यहां पे क्या है, ओब्यूल, ओब्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक, और उसी के अंदर क्या है वो एग सेल, सिनर्जिट, एंटीपोडल और पोलर न्यूक्लियाई। तो ये ऐसे ऐसे क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, और ये आके इससे क्या करेगा, फ्यूज करेगा। तो इस प्रोसेस को बोला गया पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, बस समझ गए। अब इसमें जब ये जर्मिनेट हो जाएगा तो बनाएगा पोलन ट्यूब। अब उसके बाद जब होगा तो यहां पे एक बात देखो लिखा गया है, एक बात लिखा गया है पोरोगैमी, ये मोस्ट कॉमन है। जैसे उसमें ओब्यूल के दो रीजन थे, माइक्रोपाइलर रीजन, चैलेंजर रीजन। अगर वो सीधा आया और ऐसे घूम के माइक्रोपाइलर से एंट्री किया वो कहलाता है पोरोगैमी। मतलब जो ये ओब्यूल था ये ऐसे,
तो अगर पोलन ग्लैंड ऐसे आया और ऐसे एंट्री किया तो क्या कहलाएगा? ओरोगैमी, ये मोस्ट कॉमन है। अगर सीधा ऐसे आया, यहीं से फाड़ के घुस गया तो क्या कहलाएगा? चेलेजोगैमी। ये कैजुराइना नाम का एक प्लांट में देखने को मिलता है, कैजुराइना नाम का एक प्लांट होता है उसमें देखने को मिलता है। बस समझ गए, इधर से भी कभी कभी एंट्री करता है, लेकिन तुम लोग की बात को समझना नहीं है। या तो सीधा मान लो, या तो मोस्ट कॉमन क्या है, इधर से एंट्री करेगा। बात समझ में आ रही है? बहुत जल्दी तो नहीं है? आप देखो, चेलेजोगैमी बोलते हैं इसको कैजुराइना में, और ये होता है मीजोगैमी, जो कि कुर्बिटम पाया था, इसमें बगल वाला है ये, जो ये ऐसे रहेगा तो यहां से एंट्री कर सकता है ना। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन होता है? यही वाला पोरोगैमी। समझ गए, समझ में आ रहा है ना? लग रहा है ना रिवीजन हो रहा है? अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बारे में बहुत बार बोर्ड पर समझा चुका, आप डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में समझाइए, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, बारे में बहुत बार आ चुका है। समझ गए, तो उसको एकदम अच्छे से समझना है तो बात। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं? नहीं अभी हम भी घुमा रहे, तो घुमा रहे तो अभी मान लो घुमाएगा, हम बता रहे क्या घुमाएगा, अभी पता ना हो। समझ गए ना? देखो सुनो ध्यान से, बस बस शांत शांत, थोड़ा रुको, थोड़ा पानी पी ले, लग रहा है खत्म हो जाए, ब्रेथ थोड़े पानी पी ले। ठीक है, उसकी आदत पड़ गई है ना। अरे तुम ऐसे उठेगा पूरा मैच भड़ाक पीछे, अरे पड़ोसी का चला जाएगा टूट तोड़ के। चलो शुरू करें। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो ये बना रहे हैं क्या, वाह क्या बात, बच्चे समझदार हो गए हैं सब। लेकिन अब पहले बनाएंगे एम्ब्रियो सैक, उसमें भी बना रहे थे मिटाई से लिए थे। देखो ये बनाएगा एम्ब्रियो सैक, और इसमें नीचे होती हैं एक और दो, और एक होती है दो सिनर्जिड एक एक से, और यहां होगी तीन एंटीपोडल सेल, और यहां दो होंगी पोलर न्यूक्लियाई। बस समझ गए, अब इसके ऐसे ऊपर से सब बना रहे, सब बना रहे, थोड़ा सबर करो। रुको जरा, ऐसा होता है फिली फार्म पेटर्स कहां होता है? देखो यहां होता है, नहीं वाइट तो दिखेगा नहीं ना। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्वेश्चन आता है फिली फार्म पेटर्स कहां पे होता है, तो दोनों सिनर्जिक में होता है, एक सेल पे नहीं होता, इसीलिए हमने ऊपर बना दिया इसमें फिलीफार्म ऑपरेटस, दिखाई दे रहा है कहां होता है, सिनर्जिड पे। और एग ऑपरेटस क्या है, एग ऑपरेटस क्या है, सिनर्जिड, और ये दोनों मिल जाएगा तो बनेगा एग ऑपरेटस। समझ गए, और अब देखो, अब देखो ये वाली क्या है एग सेल, और ये दोनों क्या है सिनर्जिड, और ये दोनों का एंटीपोडल, और ये क्या है पोलर न्यूक्लियाई। अच्छा शॉर्ट फॉर्म लिख देना भी, क्योंकि अभी बहुत जगह इस पर बना पड़ेगा। ये क्या है पोलर न्यूक्लियाई, और ये दोनों क्या है सिनर्जिड, और ये क्या है, ये क्या है एग सेल। समझ गए, और ये क्या है, ये क्या है एंटीपोडल सेल। अब देखो यहां से दूल्हे राजा आ रहे हैं, है ना, ये देखो मतलब मेल गैमिट। अब इसमें कितने रहेंगे, दो, दो रहेगा,
देखो एक एक और एक, ये दो, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि ये दो इन लोगों को नहीं पता था कि दो है ये। अब देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे होगा क्या, देखो ध्यान सुनना, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये जो थे ये वाले, ये क्या किए कि ये जाएंगे और ये जाके कौन कौन, ये जो आए हैं ये देखो पोलन गैन, अरे 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 ये पोलन ट्यूब बना, इसमें दो न्यूक्लियस थे, दोनों जर्मिनेट हुए, यहां तक आ गए, अब उसी को हमने यहां से बड़ा करके बना दिया है। तो ये देखो यहां बन गया जनरेटिव में जो दो थे उसे दोनों मेल गैमेट कहलाएंगे। अब ये दोनों आएंगे यहां पे, अब यहां पे आएगा तो ये जाके इससे क्या करेगा, मिलेगा, और जो ये सिनर्जिट है, जो सिनर्जिट है ये बोलेंगे आइए आइए आपका स्वागत है। तो फिर ये कहेगा अच्छा अच्छा आ गए, एक दुल्हन कहा कह आगे जाओ ये है। तो क्या किया इसने, इससे मिल गया, इसका एक मेल गैमेट कहता एक से मिल गया, अभी कहता है भाई एक और है मेरे साथ, तो कहता अब तो अब क्या करोगे, तो अब क्या करेगा अच्छा कर। तो फिर ये लोग घराती वाले बोलते हैं ठीक है कुछ जुगाड़ करते हैं, देखो ये क्या हुआ एक से मिल गया, अब ये मिल गया, जब ये मिलेगा तो क्या बनेगा, जायगोट, ये जायगोट बन जाएगा। अब ये बोला कि अच्छा ठीक है ले आओ भाई कुछ जुगाड़ करते हैं। यहां पर जो पोलर न्यूक्लियाई थे पहले ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, मिलने के बाद ये बन जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो पहले ये रहेगा एन, अब ये क्या हो जाएगा 2N, क्योंकि तो दोनों क्या हो गए मिल गए। अब जायगोट जो बना ये भी कैसा रहेगा 2N, बात समझ गए। अब कहेगा ठीक है अब जाओ तुम आगे और जाए वो कहां, इससे मिल जाओ, तो इससे जब मिलोगे तो क्या बनोगे, वो बन जाएगा यहां पर कुछ बन गया और ये क्या हो जाएगा 3N, बात समझ गए। तो एक फर्टिलाइजेशन यहां हो गया और एक फर्टिलाइजेशन यहां हो गया, इसीलिए क्या बोला गया इसको डबल फर्टिलाइजेशन, बात समझ गए। अब देखो इसको हम इस उससे थोड़ा समझते हैं, यहां पे एम्ब्रियो सैक है, ऊपर तरफ चैलेजल एंड है, नीचे तरफ माइक्रोपलर एंड है। चैलेजल एंड में यही था ना तीन हैप्लॉइड सेल था जिसको बोलते हैं एंटीपोडल, एकदम समझ आ रहा है, और बीच में क्या था सेंट्रल रीजन में क्या था सेंट्रल सेल, और ये काम था इसका न्यूट्रिशन का, और ये कुछ देर बाद डिजेनरेट हो जाएगा है ना। और जो ये नीचे था इसमें देखो टू पोलर न्यूक्लियाई थी एन प्लस एन, ये पहले फ्यूज हो जाएगा और फ्यूज होने के बाद जो बने बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, और इस सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएगा, और इधर देखो क्या था सिनर्जिट एग सेल और सिनर्जिट सेकेंड। अब ये एग सेल रहेगा यहां पे, अब देखो जो यहां पे आया था ये जो यहां पे आया था एग सेल एक इससे मिला, तो जब ये एग सेल इससे मिला तो उसको बोला गया फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन, उससे क्या बना जायगोट, और उसको बोला गया उस प्रोसेस को बोला गया सिनगैमी। जो ये यहां पे मिला इसको इस प्रोसेस को क्या बोला गया सिनगैमी है ना, और जो यहां पे मिला इसको बोला गया, इसको बोला गया ट्रिपल, हाँ गलत है दिख गया है ये सही नहीं करेंगे, ट्रिपल फ्यूजन, ये ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी इन दोनों को मिला के बोला गया डबल फर्टिलाइजेशन, बस समझ गए। तो यहां पे देखो ये हुआ, ये हुआ बना सिनगैमी, और यहां पे जो बना फ्यूज हुआ वो प्रोसेस बोला गया ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिला क्या बोला गया डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो ये जो जायगोट बना था ये आगे चल के डेवलप करेगा क्या बनाएगा एम्ब्रियो, क्या बनाएगा एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो क्या बनाएगा सीड बनेगा। अब देखो और ये बना है ये ट्रिपल फ्यूजन से 3N बना है, इसको क्या बोलेंगे, देखो इसको क्या बोलेंगे, इसको मतलब बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, यानी इसको क्या बोलेंगे जो बना है इसको क्या बोलते हैं PEN प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अब देखो ये जो न्यूक्लियस बना है ये इसके अंदर ऐसे खूब डिवाइड होकर पूरे उसमें भर जाएगा, तो पहले पूरा न्यूक्लियस भरेगा फिर इसके ऊपर ना एक लेयर आ जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे, जहां जहां बनेगा ये, जहां जहां ये बनेगा ये ऐसे ऐसे उसके ऊपर ऐसे ऐसे एक लेयर आ जाएगी, तो ये भी क्या कहलाएगा पेन पेन पेन, बहुत सारे पेन बन जाएंगे है ना, सॉरी ये पेन पहले बना, अब जब ये लेयर बनेगी तो कहलाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल,
तो पहले बनेगा पेन, फिर बनेगा पीईसी, पेक बोल सकते हैं। फिर उसके बाद इससे क्या बन जाएगा, इंडो इंडो स्पर्म, बात समझ गए क्या बन जाएगा इस समय, पहले प्राइमरी न्यूक्लियस न्यूक्लियस, फिर प्राइमरी न्यूक्लियस सेल, फिर क्या बनेगा इंडो स्पर्म, बात समझ गए। अब देखो तो ये बात यही है यहाँ पे, ये बन जाएगा इंडोस्पर्म। अब देखो क्या, अच्छा ठीक है, ये जो इंडोस्पर्म बनेगा अब क्या करेगा, जो यहाँ पे सीड बन रहा है इसको क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा। सीड जब तक डेवलप नहीं हो जाएगी, मेच्योर नहीं होगी, तब तक उसको क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा। किसको, सीड को। इंडोस्पर्म बना इसीलिए है, है ना, इसीलिए ये इसीलिए सिर्फ दो लेके आया था, ये न्यूट्रिशन कौन देगा, ये तो ये न्यूट्रिशन देगा और ये लंदन घूमेगी, समझ गए। हाँ अब देखो लैपटॉप की बैटरी जाने वाली है यार, अभी एक घंटा चलेगा। चार्जर है भाई, चार्जर ले आओ मेरे बैग से यार, काला और बैग में पहचानते हो ना, उठा लेना बैग ही पूरा, समझ आ गया। हाँ थोड़ा पानी पी लो, रेस्ट कर लो तुम लोग। समझ में आ रहा है, थैंक यू। चलिए अब शुरू करते हैं आगे, ठीक है। तो ये समझ गए, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब अगर कोई पूछेगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है तो क्या बताना है कि देखो ये जो जो ये होता है ना, एक बात है, जब मेल गैमेट एक सेल से मिलेगा ना उसको बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, मतलब इसमें जो दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसमें से एक आता है ट्रू फर्टिलाइजेशन, है ना। अब वो क्या होता है, जब मेल गैमेट मिलेगा उससे एक सेल से तो जो जायगोट बनेगा वो कहलाएगा ट्रू फर्टिलाइजेशन, क्या होता है टू एन। और जब ट्रिपल फ्यूजन, जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है अर्थात जो सेकेंड वाला मेल गैमेट है, जब सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलेगा तो जो ये बनेगा ये केवल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, इसको हम लोग टू फर्टिलाइजेशन नहीं कहेंगे, है ना। अब ये कहलाएगा, इससे बनेगा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या करें, अगर डबल फर्टिलाइजेशन को देखेंगे तो ये टोटल होता है 5N, मतलब इसमें होता है एक होता है डबल ट्रू फर्टिलाइजेशन और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन, ये होता है 2N, ये होता है 3N, दोनों मिला क्या बन जाएगा 5N, बात समझ गए। अब देखो आता है बात इंडोस्पर्म का, तो इंडोस्पर्म क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, उसमें प्रोडक्ट होगा, है ना। अब देखो उसके आगे इंडोस्पर्म की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन ये है कुछ और। देखो अगर किसी भी सीड में, अगर सीड में ओ क्या बोलते हैं इंडोस्पर्म है, अरे समझ लो अगर कोई सीड है, ये नोट करके बात है, ये अगर कोई सीड विथ डबल इंडोस्पर्म, अगर किसी सीड में दो इंडोस्पर्म मिल गए, दो टाइप के, तो उसमें क्या कहलाएगा, एक होगा न्यूक्लियर या लिक्विड इंडोस्पर्म और एक होता है सेलुलर इंडोस्पर्म। इसे क्या होता है, कोकोनट में जो हम लोग पानी पीते हैं वो क्या है, लिक्विड इंडोस्पर्म है, नहीं है। और जो जो भगवान जो चढ़ाई जाती है अगरी, उसको क्या बोलते हैं, सॉ इंडोस्पर्म, सर्कुलर सेलुलर सेलुलर इंडोस्पर्म, या उसी को सॉलिड इंडोस्पर्म बोल सकते हैं।
समझ गए, या तो ये तो लिक्विड एंडोस्पर्म है या इसी को क्या बोलते हैं सॉलिड एंडोस्पर्म, समझ गए। अब देखो अगला एक होता है, देखो ये होता है, अब इसमें कुछ कैटेगरी है, ये मोजैक एंडोस्पर्म फाउंड इन द जिया में अर्थात मकई में देखने को मिलता है। हाँ जिया में इसका नाम बोलता है मेज होता है या शुद्ध भाषा में मक्का बोलते हैं। इसमें देखो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, सॉरी इसका मतलब ये होता है जो ये पेन है, ये वाला पेन नहीं, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये पेन डिवाइड होगा और ऐसे पूरे उसमें ऐसे फैल जाएगा। अब देखो ये बनता कैसे, कुछ बनता है ये क्या करता है, मान लो ये पेन है ये यहां पे, और फिर इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, इसके ऊपर क्या आ जाएगी, एक लेयर आ जाएगी। तो जो बनेगा पहले रहेगा पेन, फिर बनेगा पीईसी पैक मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो बन जाएगा इंडो स्पर्म, समझ गए। तो ऐसा देखो पेन था, यहां पर सेल थी, खूब सारी डिवाइड हुई न्यूक्लियर, देखो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाया, और इसके अंदर जब ये डिवाइड होकर पूरा 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 भर गया तो कहलाइए सेलुलर एंडोस्पर्म, है ना। तो ये ऐसे बोलता है ये मोजैक एंडोस्पर्म का है, क्योंकि जब दिखेगा ना तो ऐसे मोजैक टाइप दिखता है, मोजैक समझते हो ना, जो ऐसे मोजैक मॉडल तुम लोग पढ़ोगे सेल में, नहीं हाँ ट्रायंगुलर शेप में दिखते हो, बहुत ऐसे होते हैं उसको, अरे जो छत में एक दाने आते हैं जो फल डाल देते हैं तो दिखता है ना छींटदार, उसको कहते हैं मोजैक, ऐसे दिखेगा इसमें। अब देखो अब आते हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, अब हम लोग को एंडोस्पर्म बन गया, अब जो जायगोट बना था उस जायगोट से सीड कैसे डेवलपमेंट होता है उसको समझना है, बस ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जायगोट से सीड कैसे बना, अर्थात जानते हो क्या है, ये उसका सीड फ्लावरिंग प्लांट का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जैसे हम लोग ह्यूमन में पढ़े थे, दोबारा फिर पढ़ेंगे रिविजन में, ये क्या है उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। अभी कैसे हुआ देखो, स्टेज ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये। अब देखो यहां पे क्या था, जायगोट था, ये क्या होगा पोलन होगा, तो ये जो जायगोट है ना, ये जायगोट ऐसे डिवाइड होके ऐसे इस तरह से बन जाएगा, और उसको बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो, और फिर ये क्या होगा ना, जो ये नीचे है ये यहां पे खूब सारा इकट्ठा हो जाएगा, दिखा दे रहा है ना, यहां पे पूरा इकट्ठा हो जाएगा, और जो होगा तो इसको बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो, याद रखना जायगोट प्रो एम्ब्रियो ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर ये जो ग्लोबुलर है ना ये कुछ ऐसे दिल जैसे बन जाएगा, देखो हार्ट जैसे, इसको बोलते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, बन गए। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है ये यही वाला रीजन ऐसे नीचे ऐसे ग्रोथ कर जाएगा, तो देखो ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, और जो ऊपर वाले धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डिजाइन होने लग जाएंगे, देखो ये बन गया ऐसे ऐसे बना। अब देखो इसमें ये ऐसे बर्तन बनने लगेगा, देखो ये बढ़ के यहां तक हो गया ये वाला, हाँ तो पहले इस पे देखो ना, पहले ये बन गया, अब ये वाला ऐसे ग्रोथ करके ऐसे क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, तो ये को ऐसे किया ऐसे क्या हो गया, घूम गया। तो जो इससे बना था, जो दो बने हैं ये कहलाएंगे कॉटिलीडन, क्योंकि डाइकॉट की बात कर रहा है, तो डाइकॉट में कैसे होते हैं दो कॉटिलीडन, तो जो बनेगा कहलाएगा ये कॉटिलीडन। अब देखो जो कॉटिलीडन है तो ये जो बना ये यहां पे होता है, उसको बोलते हैं प्लीम्यूल, इससे क्या बनेगा सूट, सीड का ये प्लीम्यूल जो बनाता है सूट बनाता है, और यहां पे जो है वो कहता है ईपी कॉटिल, और देखो यहां पे क्या है, इधर क्या कह रहा है हाइपोकोटिल, और यहां पे क्या है रेडिकल, ये क्या बनाएगा रूट, और ये क्या होगा रूट कैप। ये डायग्राम हमने बनाया है, ये डायग्राम एनसीईआरटी बनाया है, बात समझ गए, ये डायग्राम एनसीईआरटी के वही डायग्राम ये भी है, कैसे कैसे बना डेवलप बना, जायगोट हुआ, ये देखो ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, हार्ट शेप बना, फिर ये ऐसे बन गया, ऐसे बन गया कॉटिलीडन, और ये मैच्योर होगा, ये भी कहलाया मैच्योर एटिपिकल डायकॉट एम्ब्रियो, समझ गए। ये ऐसे डेवलपमेंट होता है। अब देखो आगे डेवलपमेंट होने के बाद हमारे पास क्या था, ओब्यूल। अब ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, जो ओब्यूल है, ओब्यूल में बहुत सारे पार्ट होंगे, एक होगा सॉरी पूरे ओवरी बहुत सारे पार्ट होंगे, तो एक होगा ओवरी, ओवरी बनाएगी फ्रूट, और जो ओवरी की वाल है वो बनाएगी फ्रूट का वाल, इसको पेरिकार्प बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको,
इसको पूरा क्या बोलेंगे, पेरिकॉर्प, है ना। और जो ओव्यूल है वो बनाएगा सीड, और ओव्यूल देखो फ्यूनिकल है, हाइलम है और माइक्रोपाइल है, तो फ्यूनिकल बनाएगा स्टॉक, हाइलम बनाएगा हाइलम ही, और माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल बनाएगा। और इंटेगुमेंट है, जो इंटेगुमेंट था वो सीड का कोट बनेगा, और सीड कोट में देखो आउटर इंटेगुमेंट बनाएगा टेस्टा, इनर टेगुमेंट बनाएगा टेगमेंट। ये बात याद रखना, अभी याद है बाद में भूल जाएगा कि आउटर वाला क्या बनाता है, इनर वाला क्या बनाता है। इसमें कई बार क्वेश्चन आ चुका, आउटर इंटेगुमेंट क्या बनाएगा टेस्टा, इनर वाला क्या बनाएगा टेगमेंट, समझ गए। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है वो जनरली कंज्यूम हो जाता है, लेकिन अगर किसी में बचा रह गया तो उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म, और ऐसे सीड को बोलते हैं, ऐसे सीड को जिसके अंदर ये न्यूक्लियस बचा रह जाएगा उसको बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्म याद है कहां है, कहां था याद करो, ये यहां था पेरिस्पर्म, भूल मत जाना, ये यहां पे, अरे ये यहां जहां बना था वहीं आ जाते हैं, अरे ये गया ना, ये जो था ये यहां पूरा भरा हुआ था ना, ये इसके अंदर ये पेरिस्पर्म यहां न्यूक्लियस था, ये वाला इसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। और इसमें तो बता सकते थे हम, लेकिन इसमें क्यों पीछे ले गए हम, इसमें ये बना था, ये कहां गया, अरे हाँ ये इसके अंदर जो भरा रहेगा यहाँ यहाँ पे ना, इसे पेरिस्पर्म कहलाएगा। ये जनरली मोस्टली कंज्यूम होता है, लेकिन ये अगर बचा रहे किसी में तो वो सीड कहलाएगा पेरिस्पर्मिक सीड। अगर ये न्यूक्लियस ये कंज्यूम हो गया, अगर नहीं कंज्यूम हुआ तो क्या बन जाएगा पेरिस्पर्म, और वो कहलाएगा पेरिस्पर्मिक सीड। जो दिखा था वो न्यूक्लियस था, पेरिस्पर्म बाद में बनेगा ना, जो बचेगा कहलाएगा पेरिस्पर्म, शुरू में क्या था न्यूक्लियस, अगर रह गया तो पेरिस्पर्म, और बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। अभी देख लो पेरिस्पर्म विद टू एन होता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी भी ओव्यूल का पेरिस्पर्म में 46 क्रोमोसोम है मान लो, है ना, तो उसके लीफ में कितने क्रोमोसोम होंगे। अगर किसी भी प्लांट के पेरिस्पर्म में 46 क्रोमोसोम है तो उसके लीफ में कितने होंगे, समझ गई दीपक भाई, कहाँ भरा है इधर देखो मेरी बात सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, देखो हमें ये बात समझ, हमको समझा दो, इधर समझो, हमको ये बात समझना है कौन 2n होगा, कौन 3n होगा और कौन n होगा, ये बात याद करना पड़ेगा। पत्ती क्या होती है 2n, फ्लावर पूरा क्या होगा 2n, है ना, जो जो 2n होता है, फ्रूट क्या होगा 2n, रूट क्या होगा 2n, स्टेम क्या होगा, एंडोस्पर्म क्या होगा 3n, ये मतलब कौवा उड़ कौवा गधा उड़ ये बात समझ रहा है, अभी कहां बोले कहां बोल रहा है, ये बात समझ गया ना। अगर 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 बात करेंगे पोलाइडी लेवल की, देखो जैसे फ्लावर क्या होगा 2n, लेकिन जब फ्लावर से गैमेट बने तो क्या हो जाएगा n हो जाएगा, अर्थात जो पोलन ग्रेन होता है वो कैसा होता है n, n होता है ना, गैमेट n होता है ना, ये क्या है n, तो हमको ये बात तो याद रखना, तो याद हो जाए नहीं आएगा तुमको, केवल पोलन ग्रेन जो होते हैं और जो ओव्यूल मेल फीमेल गैमेट होते हैं वो दोनों होते हैं n, बाकी मैक्सिमम पार्ट होते हैं 2n और केवल इंडोस्पर्म होते हैं 3n, समझ गए बात को, नहीं समझे ए, केवल केवल गैमेट होंगे n, वही तो बता रहे हैं, तो रुक जाए बहन थोड़ी देर, देखो इसमें पहले 2n है ना, समझ गए, अब हमको बात क्या समझना पड़ेगा 3n और n समझना पड़ेगा, और यहां पे हम बताएगी यहां पे पेरिस्पर्म में भी 2n होता है और लीफ में भी कितना होता है, कहां गया, और इसमें क्या होता है 2n, समझ गए, तो अगर अगर 2n बराबर 46 है तो 2n उसमें भी है, इसमें क्या होगा
मोटोसिक्स होगा, समझिए ना। अब देखो इधर देखो, अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन समझो, दूसरा क्वेश्चन अगर मान लो किसी के इंडोस्पर्म का क्रोमोसोम 20 24 है, इंडोस्पर्म का, तो हम पूछेंगे अगर इंडोस्पर्म क्रोमोसोम क्या है 24, तो उसके लीफ में कितने क्रोमोसोम होंगे? हाँ हाँ बताओ। नहीं 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 सही बोली है वो, और तुम लोग बोलो, हम बता रहे ना कैसे। देखो हमने कहा इंडोस्पर्म कितने हैं 24, यानी 3n इज इक्वल टू 24, n इज इक्वल टू 8, और अगर लीफ में बात करें तो लीफ में क्या होता है 2n, तो 8 8 यानी क्या हो गया 16। हाँ ये कितना सिंपल है, कितना कुछ है ही नहीं। हाँ ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। अरे तो हमको एक्टर थोड़े वो निकल गया होगा, रिपीट कर लेना वीडियो देख के, समझ गए ना, नहीं समझे। देखो दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर अगर रुक जाओ, अगर मान लो किसी के गैमिट में है 18 क्रोमोसोम, अगर अगर 18 क्रोमोसोम है गैमिट में, तो इसके लीफ में कितना क्रोमोसोम होगा बताओ, कितना होगा समझो। तो अगर इसमें 18 है तो कितना क्रोमोसोम होगा हाँ लीफ में, हाँ डिवाइड होगा, देखो ना इसे इधर देखो, इधर देखो गैमिट में होता है n, n का मतलब पता है 18, और लीफ में होता है 2n, और 2n मतलब 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36, समझ गए ना। चलो अब देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा देखो, पूछता है एग्जाम में कई बार, एग्जाम में कई बार आया है। तो ये क्वेश्चन भी रट, ये क्वेश्चन भी रट लो, ये जो स्लाइड है इसको याद करना है, किससे क्या कौन सा पार्ट बनता है ये सब भी ध्यान से देख लो, समझ गए, समझ गए क्या। अब देखो आगे, अब देखो जो मेच्योर सीड है वो दो टाइप की होती है, एक होती है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, या इसको बोलता है एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, जैसे होता है पी ग्राउंड नट बीन, अगर इसके अंदर इंडोस्पर्म नहीं है, अगर इसके अंदर इंडोस्पर्म नहीं है तो क्या कहलाएगा, नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस या इंडोस्पर्म, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, इसी को नॉन इंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं, क्या हो सकते हैं नॉन इंडो स्पर्मिक, बात समझ गए। अगर इंडोस्पर्म नहीं है, और नहीं कैसे होगा, क्योंकि जो इंडोस्पर्म बना था वो अपना न्यूट्रिशन देते देते सीड को सारा खत्म हो गया, अपने आप को बलिदान कर लिया तब सीड को मैच्योर कर पाया, इसलिए उसका एंडोस्पर्म क्या हो गया खत्म हो गया। और एक ऐसा होता है कि अगर इसमें एंडोस्पर्म बचा रह गया उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, या इसी को बोलेंगे इंडो इंडो इंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे ना। अगर इसमें एंडोस्पर्म बचा रह गया, पूरा बलिदान नहीं हुआ, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। उसमें क्या आएगा, वीट आएगा, मेज आएगा, बार्ली आएगा, कस्टर आएगा, कोकोनट आएगा, समझ गए। और सबसे ज्यादा एंडोस्पर्म होता है कोकोनट में, उसका सीड है ना उत्तू सा होता है छोटा सा एकदम ऊपर, जैसे नारियल का गोला है ऐसा, यहां पे होता है छोटा सा सीड, जब भगवान चढ़ा ना तो उसको वही चढ़ा जाता है, उसको तोड़ो तो वही निकाल के वही चढ़ा दो जय भगवान जी, समझ गए। ये पूरा गरी का गोला नहीं चढ़ा जाता, वो अपने खाने के लिए है ना, तो ये बात हो गया। तो याद रखना इसका एग्जाम्पल पी ग्राउंड नट बीन, और एक बात दो लोग, जो पी है ना ये डाइकोटिलेडन है, ये भी क्या है डाइकॉट है, ये भी क्या है डाइकॉट है, तो ऐसा समझो जो डाइकॉट होती है मोस्टली कैसे होती है नॉन एल्ब्यूमिनस, मतलब उसका एंडोस्पर्म खत्म हो क्या बन गया कोटिलेडन बन गया है, उसका एंडोस्पर्म खत्म हो क्या बन गया है कोटिलेडन, बात समझ गया क्या। और ये जो मोनोकॉट है ये मोस्टली कैसे होते हैं एल्ब्यूमिनस अर्थात एंडोस्पर्मिक होते हैं, तो ये क्या बन गए हैं एंडोस्पर्मिक, समझ गए बात को। आप देखो आगे,
अब ये स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, ये मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर थोड़ा समझते हैं इसको। ये क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। देखो अगर मोनोकॉट है, अगर अगर मोनोकॉट है तो उसमें केवल एक कोटिलीडन होगा, अगर डाइकॉट है तो दो कोटिलीडन होगा, तो इसमें क्या होगा, एक कोटिलीडन होगा, है ना। देखो इधर वाला जो रीजन है, ये वाला, समझ गया क्या, जो ये वाला रीजन है इसको बोलते हैं इंडोस्पर्म, समझ गए। और देखो ये बचा है इंडोस्पर्म, और जो जो ये वाला रीजन है, ये वाला येलो वाला जो कलर कर रहे हैं, ये कहलाएगा इसको स्क्यूटेलम बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, स्क्यूटेलम, 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 ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम, और ये क्या है, बहुत मोटा हो गया यार, पतला नहीं हो, चलो ठीक है। अब इसमें देखो ये वाला जो लाइन है ना पूरा, इस लाइन बहुत कुछ मिलेगा। अब देखो इधर वाला, देखो एक जो इसके अपोजिट वाला है कोटिलीडन, वो बहुत छोटा हो गया है, देखो ये वाला एकदम छोटा हो गया, छोटू सा। अब इसको बोलते हैं ईपी ब्लास्ट, यही तो, इसीलिए तो मोनोकॉट बन गया, है ना। अब जो ये वाली लाइन है, इसमें देखो यहां मिलेगा ऊपर सबसे मिलेगा कोलियोप्टाइल, और इसी के नीचे यहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा, ये मिलेगा कोलियोराइजा, ये वाला कोलियोराइजा है, ये क्या है, कोलियोप्टाइल है। और जो इसके बाद ये वाला है, ये वाला, ये है इपिकोटिल, यहां का रीजन ऊपर वाला, हाँ इपिकोटिल, और ये नीचे वाला रीजन है बोलते हैं हाइपोकोटिल, और ये हाइपोकोटिल के नीचे यहां पे तुमको मिलेगा ये वाला, जो मिलेगा ये वाला मिलेगा, इसको बोलते हैं रेडिकल, और इसके बाद ऊपर जो होगा इस रेडिकल के ऊपर, यहां क्या होगा, रूट कैप, और यहां पे क्या होगा, ये क्या होगा, कोलियोराइजा, समझ गए। तो ये बात ध्यान रखना, देखो पॉलियोप्टाइल सबसे ऊपर क्या है, ठीक है बाय, ऊपर क्या है कोलियोप्टाइल, नीचे क्या है पोलियोराइजा, यहां क्या है रूट कैप, रेडिकल। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, हाइपोकोटाइल या हाइपोकोटाइल के पास में कौन होगा, रेडिकल, इपिकोटाइल के पास होगा प्लीम्यूल, बस समझ गए ना। अब प्रीमियल के ऊपर क्या होगा, कोलियोप्टाइल, और इसके ऊपर क्या होगा, क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल के ऊपर क्या होगा, रेडिकल, और रूट कैप और कोलियोराइजा, बस समझ गए, ये बात रखना। और इधर क्या है, स्क्यूटेलम, ये क्या है, इंडोस्पर्म, बात समझ गए। अब देखो आगे, अब देखो इसमें क्या होगा, ये समझना है, ये है जो बताया था अभी पेरिस्पर्म, ये कहां से बना था, न्यूसिलस से। अगर वैसे न्यूसिलस मोस्टली क्या हो जाता है, हाँ कंज्यूम हो जाता है, लेकिन अगर न्यूसिलस बचा हुआ है तो क्या कहलाएगा, जो बचा हुआ है तो क्या कहलाएगा, वो पेरिस्पर्म। अब देखो यहां पे ये न्यूसिलस मतलब क्या, परसिस्टेंट न्यूसिलस, उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म इन मैच्योर सीड। अब देखो इसमें क्या, बीट, बीट समझते हो ना, बीट नहीं समझते हो, हाँ बीट रूट, क्या है बीट, सलाद, 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 लाल सलाद लगा, और ब्लैक, ब्लैक पाइपर मतलब ये क्या है, हाँ काली मिर्च में, और ये बीट रूट में, इसमें इसमें क्या होता है ना, बचा रह जाता है एंडोस्पर्म। तो ये रूट में मत देखना, इसके इसके ऊपर देखना है, जो उसका सीड होता है, पता है रूट में ढूंढ रहे हो तुम लोग, समझ गए ना। हाँ छोटी फोन बंद रखो नहीं, हाँ बीट रूट और ये ब्लैक पाइपर, इसमें क्या मिलता है, पैसे देखने को मिलता है, एग्जाम्पल याद रखना इसके एग्जाम्पल को। अब देखो आगे, अब अगला आएगा डार्मेंसी एंड वायबिलिटी ऑफ द सीड। डार्मेंसी मतलब होता है डार्मेंसी,
डॉर्मेंसी, तुम क्या सुन लिए थे? डॉर्मेंसी और होता है वायबिलिटी ऑफ सीड। डॉर्मेंसी मतलब डॉर्मेंट पीरियड, मतलब सो जाना, सो जाना, जब ग्रो नहीं होता, मतलब कोई भी सीड अगर इन एक्टिव स्टेट में चला जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डॉर्मेंट पीरियड में आ गया। मतलब सुन लो क्या बोलेंगे उसको, डॉर्मेंसी एंड वायबिलिटी। मतलब अगर अगर कोई भी सीड बहुत देर तक जर्मिनेट नहीं हो रही है, वो मतलब डॉर्मेंट पीरियड में चली गई। जैसे कोई कोई होता है ना कि जगता कम है सोता ज्यादा है, मतलब 12 से 18 घंटा सोता है और 6 घंटे के बाद जगता है, कहीं भी सो जाता है, समझ गया ना? तो उसको क्या बोलते हैं? वो बोलेंगे डॉर्मेंट है, जो सोएगा वो डॉर्मेंट कहलाएगा, है ना? तो सोने का एक अलग सिनोनिम्स आ गया है क्या, डॉर्मेंसी। तो अब देखो एक होते हैं ये ल्यूपिन, ल्यूपिनस या ऑर्टिकस, इसका जो वायबिलिटी पीरियड होता है ना ये 10,000 साल। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके सीड को ले आएंगे यहां पर रख दिए और 10,000 साल तक यहां पर रखी रही, उसके बाद जर्मिनेट कराएंगे तब वो जर्मिनेट हो जाएगा, उसको बोलते हैं वायबिलिटी पीरियड, समझ गए? नहीं नहीं उसको वायबिलिटी बोलेंगे, डॉर्मेंसी भी छोड़ना है, डॉर्मेंसी मतलब जो जर्मिनेट ना हो, कंफ्यूज मत होना, इसीलिए हमने यहाँ पे ये लगा दिया है वो, ये डॉर्मेंसी मतलब होगा जो जर्मिनेट नहीं होती है, उसको बोलते हैं डॉर्मेंटी पीरियड में। जब तक तो जब तक ये जर्मिनेट नहीं होगी तब तक किस में रहेगी, डॉर्मेंसी में, है ना? अब देखो एक होता है डेट पाम, जो डेट पाम होता है उसका होता है 2000 ईयर। देखो उसको सीढ़ियों कितना कठोर होता है, उसको लग रहा है ना कि उसको रख चाहे जितना देर भुला जाओ, 3-4 पीढ़ी 5-6 पीढ़ी डिपट जाएगी तब वो जिंदा रहेगा, वो समझ गए ना? अब अगला डॉर्मेंसी मतलब सीड, सीड टू जर्मिनेट, मतलब सीड, सीड क्या लिखा है, जर्मिनेट है ये सब गलत है, मतलब सीड कोड नहीं होगा, ये होना चाहिए था यहाँ पे सीड नॉट सीड, ये लिखा है सीड नॉट जर्मिनेट, कौन वही तो गलत हो गया था ना, पता ना ये काट दो सीड, अगर जर्मिनेट, अगर सीड जर्मिनेट नहीं हो रही तो उसको कहलाते हैं वो डॉर्मेंटी पीरियड हो गए, जैसे कुंभकर्ण चला गया था ना सो के खा के, तो डॉर्मेंट चला गया था, है ना? अब देखो आगे, अब आएगा फ्रूट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। अगर कोई भी फ्रूट ओवरी से डेवलप होके बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी, मोस्ट ऑफ द प्लांट के फ्रूट जो होते हैं वो होते हैं ट्रू फ्रूट। अगर 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 ओवरी को छोड़ के किसी और पार्ट से, जैसे कि एक्सेप्ट ओवरी, जैसे कि इंक्लूडिंग इसमें फ्रूट प्रोड्यूस, उसको बोलते हैं एप्पल से थैलमस से, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू, ये तीनों जो होते हैं ये होते हैं फॉल्स। हाँ और भी हैं, ये हम लोग यही तीन ही जानना है, हाँ समझ गए ना, और भी होते हैं, मतलब कुल मिलाकर समझना ही है कि सर फॉल्स होता है, सर सर हाँ, ये उस समय उसको करेक्ट किया गया था, याद है जी, बताए तो हाँ, कोई दूसरी था। देखो मतलब फास्ट फ्रूट क्या होगा, अगर ओबरी के अलावा कहीं डेवलप होगा क्या लगा, फास्ट फ्रूट, और इसमें क्या आएगा, एप्पल आएगा, स्ट्रॉबेरी आएगा और कैश्यू आएगा, है ना? अब आता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बहुत बार चुका इस बार हम लिखिए क्या होता है पार्थिनोकार्पिक। तो अगर वेन ओबरी मेच्योर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, याद रखना अगर फ्रूट बनना है बिना फर्टिलाइजेशन के तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पार्थिनोकार्पिक। उस अरे नहीं वो एनिमल में होता है, ऐसे ही कर बो गद्दारी करो। देखो अगर अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा तो क्या कहलाएगा, पार्थिनोकार्पी, और ऐसे फ्रूट क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, समझ गए? अब ये होता है देखो इसमें सीडलेस फ्रूट होता है, जैसे होता है उसमें सीड नहीं होता, और ये इसको बोलते हैं, इसमें यूज किया जाता है वो होता है ऑक्सिन, ऑक्सिन एक क्या है, प्लांट हार्मोन्स, अगर उसका छिड़काव करेंगे तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनने की पूरी पूरी संभावना है, बस समझ गए? अब देखो आगे एपोमैक्सिस, एपोमैक्सिस क्या होता है, एपोमैक्सिस मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर बिना
फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनेगा तो क्या कहलाएगा? पार्थिनोकार्पिक। ऐसे अगर बिना फर्टिलाइजेशन में क्या करेगा? एपोमिक्सिस। अब देखो ये अगला आएगा फ्लैशी फ्रूट। अगर पेरिकार्प मतलब जो बताया था ना अभी, जो टेस्टामेन नहीं ओबरी वाल, अगर ओबरी वाल थोड़ा मोटी हो जाएगी ठीक, तो वो फ्रूट फ्लैशी हो जाएगा है ना। जैसे पेरिकार्प जूसी, जूसी मतलब फ्लैशिस फ्लैशी और थिक एंड फ्लैशी क्या लगेगा, क्या कहलाएगा? फ्लैशी फ्रूट। अब देखो ये क्या है पेरिकार्प, इसको होता है इपिकार्प मीजोकार्प इंडोकार्प। पेरिकार्प के तीन लेयर, जो बाहर वाला होगा क्या कहलाएगा? इपिकार्प, जो बीच वाला क्या कहलाएगा? मीजोकार्प, लेफ्ट का कहलाएगा इंडोकार्प। तीनों मिला के बना देंगे पेरिकार्प, पेरिकार्प जूस बना देगा। जैसे ये मैंगो दिखाई दे रहा है, इसको कलर किए थे उस बार, अब नहीं करेंगे याद है ना, इसे पूरा कलर दे दो। देखो ये सीड है ये वाला, और ये उसका ये वाला इंडोकार्प है, ये वाला मीजोकार्प है, और ये वाला इपिकार्प है। समझ भून खा जाता है। तो ये हो गया आप लोग का चैप्टर पूरा फिनिश, और एक अध्याय खत्म हुआ। संग बजाए और प्रसाद भी बैठेगा हम लोग, और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? नहीं 1:30 मतलब पूरा एक यूनिट खत्म, ऐसे थोड़ी होगा, दोनों होगा दोनों, ठीक है समझ आया।